काशी ज्ञान व्यापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज यानी कि बुधवार को ज्ञान व्यापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर वहाँ पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को हिंदू मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलीलें पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ करने के लिए भी आदेश मांगा था, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी, तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम डाले का आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया ब्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी सीधे ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इतिहाम बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दिया, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उस पर दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन तियामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई, आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। कोई लिखित आदेश नहीं था, अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहाँ भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिन का अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन का अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। देखिए देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे, बादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। अरे पूजा शुरू हो गया ये कहिए।